बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए बिना आटा गूंदे और बिना बेले गार्लिक पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, आप इसके बदले मैदा भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच चीनी का डाला है और एक छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं और एक छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाला है। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर एक छोटा चम्मच लहसुन को ग्रेट करके डालेंगे। यहाँ मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली थी। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया को बारीक काट के डालेंगे और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। एक बार इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको एक दफ़ा में पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते जाएं और चम्मच से इन्हें अच्छे से मिलाते जाएं। इस बैटर में आटे की लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, आपको बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालते जाएं, एक बार में सारा पानी ऐड ना करें। और अगर आपको ये गार्लिक पराठे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जितना आपने आटा लिया था उतना ही इसमें पानी डलेगा, यानी एक कप आटा तो 1.5 कप आपको पानी इसमें डालना है। आपको ज़्यादा ना पतला रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से बनाकर तैयार करा है। आपको भी इसी तरीके इसको बनाकर तैयार कर लेना है। इस गार्लिक पराठे को आप सुबह के नाश्ते या दोपहर के लंच में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। अपने बच्चों को स्कूल टिफिन में भी इसको बनाकर दे सकते हैं, उनको तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये लंबे समय तक सॉफ्ट रहता है। भी छोटे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और इजी रेसिपी है। आप देख रहे होंगे मैंने किस तरीके से इसका बैटर बना के तैयार करा है, आपको भी इसी तरह से इसका बैटर बना कर तैयार कर लेना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले नॉन स्टिक तवे को गर्म करें। यहाँ मेरे पास नॉन स्टिक तवा था तो मैंने इसको गर्म कर लिया। अगर आपके पास नॉर्मल लोहे का तवा है तो आप इस पराठे को लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। पहले आपको तवे को अच्छे से गर्म कर लें, फिर फ्लेम को मीडियम कर दें। उसके बाद आटे का बैटर डालें। आपको जितना बड़ा छोटा मोटा पराठा बनाना है उसके हिसाब से आपको बैटर डालना है। यहाँ मैंने 2 चम्मच भरकर बैटर डाला है। आपको पहले इसे टच नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर इस पराठे को 1 से 1.5 मिनट बिना टच करें मीडियम फ्लेम पर पकाएं। फिर इस पराठे के ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी डालती जा रही हूँ। फिर इसे 1 से 1.5 मिनट बाद इस पराठे को पलट देंगे। फिर दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए इस पराठे को पकाएंगे। इसी तरह आपको सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेना है, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। आपको दिख रहा होगा पराठे का कलर बिल्कुल कितना बढ़िया आया है और लग रहा है ना जैसे हमने इसे आटा गूंद कर बनाया होगा। जिस किसी को भी आप ये पराठा बनाकर खिलाएंगे वो पक्का मानेंगे ही नहीं कि आपने इसे बिना गूंद ही बनाया है। ये बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। इसे आप लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं, यानी सुबह के नाश्ते में बनाएंगे। अगर बच जाएगा तो आप दोपहर के लंच में भी इसे सर्व कर सकते हैं, ये इतनी देर तक सॉफ्ट रहता है। हम जो आटा गूंद के पराठे बनाते हैं वो हैंड टू खाए जाते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं। इसलिए आप इसे गार्लिक पराठे को एक बार बनाना ज़रूर ट्राई करिए और सबको ज़रूर खिलाएं। इसी तरह आप सभी पराठे बनाकर तैयार कर लें। आप चाहें तो इसे विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। इस पराठे को आप चटनी अचार के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा खाने में बढ़िया लगेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। जल्द मिलेंगे मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।